तो वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको गूगल से फ्री इमेजेस कैसे मिल सकती है, आप कैसे फ्री इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो गूगल इमेजेस के थ्रू। तो इस वीडियो में हम वो पूरा देखने वाले हैं। वैसे तो ये बहुत इजी ट्रिक है, कई लोगों को ये ऑलरेडी पता भी होगी ट्रिक। ओके, तो अगर जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं इसमें बता देता हूँ कि आपको गूगल से फ्री इमेजेस कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम सभी भी जानते हैं कि गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजिन है। गूगल के पास इमेजेस का एक खुद का उनका बहुत बड़ा डेटाबेस है जो कि गूगल बहुत सारे वेबसाइट से क्रॉल करता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि देखो, दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। एक तो होता है कि जो कि फ्री इमेजेस, ओके, जिसको हम विदाउट कॉपीराइट इमेजेस बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसके में होता है कि विद कॉपीराइट इमेजेस, जो जैसे कि आप गूगल से कोई भी इमेजेस उठा के आपके ब्लॉग पोस्ट में आप यूज नहीं कर सकते, आपके यूट्यूब के वीडियोस में आप पोस्ट नहीं कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर कॉपीराइट होता है, क्योंकि वो इमेज किसी और ने बनाई होती है, किसी और ने वो फोटो उसकी खींची होती है। तो आप डायरेक्टली किसी इमेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आप आपके ओन रिस्क पे वो कर सकते हो, पर ऐसा कि गूगल बोलता है कि आप कॉपीराइट इमेजेस मत यूज कीजिए। तो ऐसे में हमें कैसे ढूंढना है कि विदाउट कॉपीराइट जो इमेजेस है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम देखते हैं कि गूगल का कैसा इस्तेमाल करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट, ओके, मुझे क्यूट कैट के इमेजेस सर्च करने, मैंने उधर लिख दिया, एंटर दबा दिया। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा सर्च इंजिन आ गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारे कैट्स के, क्यूट क्यूट कैट के इमेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अभी मुझे इसमें से कोई कॉपीराइट फ्री इमेजेस मुझे यूज करने, तो वो कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो तो टूल्स वाला ऑप्शन है वहां पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे साइज या कलर या फिर इससे आप इमेजेस आप ढूंढ सकते हो। ओके, आपकी करेक्ट इमेज, तो इसमें ये यूजेस साइड करके है, यहाँ पे मैं ये क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आता है टिक करके, नॉट फिल्टर बाय लाइसेंस। ओके, तो लाइसेंस क्या होता है कि इसमें कोई लाइसेंस लगाया नहीं गया कि फ्री है, कॉपीराइट है, ऐसा कोई इसमें लाइसेंस नहीं लगाया गया है। और दूसरा जो है ऑप्शन है वो है लेबल्ड फॉर रीयूज विथ मॉडिफिकेशन। ओके, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि आप इसको रीयूज कर सकते हो, मतलब ये इमेज आप यूज कर सकते हो और उसके साथ उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, जैसे कि आपको उसमें कुछ लिखना है या फिर उसको उसमें कुछ एक दूसरा इमेज आपको ऐड करना है तो वो आप उसमें कर सकते हो। उसे बोलते हैं लेबल फॉर द रीयूज विथ अ मॉडिफिकेशन। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन है वो खाली है लेबल फॉर रीयूज। ओके, इसमें आपको मॉडिफिकेशन कोई करना नहीं है, सिर्फ आपको रीयूज ही करना है उस इमेज का। तीसरा ऑप्शन है जो कि है लेबल फॉर द नॉन कमर्शियल रीयूज विथ मॉडिफिकेशन। ओके, इसका मतलब ऐसे होता है कि आप इसमें नॉन कमर्शियल चीजों के लिए यूज कर सकते हो। और चौथा ऑप्शन है लेबल फॉर द नॉन कमर्शियल रीयूज, इसमें आप ओनली रीयूज कर सकते हो इमेजेस का। ओके, तो मैं यहाँ पे आपका ये पहला ऑप्शन में टिक कर देता हूँ कि लेबल फॉर रीयूज विथ मॉडिफिकेशन। ओके, मोस्ट ऑफ इसमें आप ये वाला सिलेक्ट कीजिए क्योंकि इसमें आप मतलब इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस अभी आ चुकी है। ठीक है, तो मैं फिर भी एक काम करता हूँ, मैं ये इमेज चेक कर लेता हूँ कि इस पर कोई यूजेस राइट है कि नहीं। ओके, देखो यहाँ पे मैंने इमेज पे क्लिक कर दिया, अभी ये पिक्साबे की इमेज है, पिक्साबे से ये क्रॉल की गई हुई इमेज है, तो ये मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, मेरा दूसरा विंडो ओपन होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये इमेज अगर आपको और हाई क्वालिटी चाहिए तो आप ये इमेज को इस डायरेक्टली वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो इसे होगा क्या कि आपको कोई कॉपीराइट इस पे क्लेम नहीं बोलेगा, आप इसको आपके ब्लॉग में यूज कर सकते हो, आप इसके अपने यूट्यूब के वीडियोज में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से आप आपकी कोई भी इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर ये भी क्लिक किया लेबल फॉर रीयूज ओनली, तो बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएंगे आपके लिए। ओके, तो ये छोटा सा टूल इस्तेमाल करके आप गूगल से फ्री में इमेजेस ले सकते हो। ठीक है, और गूगल के अलावा बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो आपके जो भी आपको फ्री में इमेजेस देती है, तो
वो वाली सब वेबसाइट हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं, ओके। ये तो वैसे भी पार्ट वन था फ्री इमेजेस के लिए, तो हम पार्ट टू में वो सब वेबसाइट देखेंगे कि उससे फ्री इमेजेस कैसे लेना है, वो कौन कौन सी वेबसाइट है, आपको लाइसेंस उसमें कौन सा होता है इमेजेस का, तो वो सब हम उसमें चीज़ें देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो जिनको जिनको ज़रूरत है फ्री इमेजेस की वो भी ये वीडियो देख सके। और अगर आपको फ्री इमेजेस के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।